मेरे ख्याल से दिस इज द वन ऑफ बेस्ट स्कूल जहाँ पर ओवरऑल जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट वो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा ये लगता है कि मॉरल वैल्यूज भी सिखाते हैं। स्टडी तो हर स्कूल में सिखाई रही, जो मॉरल वैल्यूज है ना वो सबसे ज्यादा इस स्कूल में फॉलो करती है और स्पोर्ट्स को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया जो मेरी प्रायोरिटी है। तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग जो यहाँ पर इंटरेक्ट करती है ना पेरेंट्स के साथ, मतलब फैमिली इन्वायरमेंट रखता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं और वो क्लियर भी होती है। बट ये और स्कूलों में नहीं, पीटीएम एक नाम के लिए पीटीएम होती है, वो यहाँ नहीं लगता। सबसे अच्छा तो संस्कार ही है स्कूल के, देखा इसी स्कूल के बच्चों को मैंने कभी नमस्ते करते हुए नहीं देखा। हमारे बच्चे जहाँ भी जिससे ही मिलेंगे सबसे पहले नमस्ते तो है ही इनकी। बाकी स्कूलों में ट्यूशन के लिए कहते हैं कि आप बच्चे की ट्यूशन, यहाँ पे ट्यूशन पे बच्चों को बोलते कि आप सेल्फ स्टडी करो, बिल्कुल, और घर पे जाके अब इनको बोलते भी है ना कि ट्यूशन लगाने, ट्यूशन नहीं लगानी, ट्यूशन हम घर पढ़ लेंगे लेकिन ट्यूशन नहीं लगानी। बहुत अच्छा लगता है सब सुन के कि बच्चे। There is just an overall development of the child. All the extra activities are just performed there. Even you just get touch with the Indian culture. The main that is thing. You just know how to respect your parents, how to respect your teachers, and how you can just coordinate to the society. I think it is just perfection, perfect everything. There is just a complete overall development of child. And I just suggest every person, every parent, to get her child admitted in school. अच्छा स्कूल है। पहले इससे पहले मेरी बड़ी बेटी भी यहाँ पढ़ती थी, अब छोटी बेटी भी यहाँ पर पढ़ती है, इससे छोटा बेटा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जैसे इंडियन कल्चर को भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पढ़ रहे टेंथ क्लास तक हो गई है, तो यहाँ का एनवायरमेंट और बच्चों की शिक्षा के हिसाब से स्कूल बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं सर हरीश कौशल, आई एम फादर ऑफ नंदिनी कौशल। मेरा बेटा ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुका है, उसने भी यहाँ से टेंथ किया और बेटिया ने भी टेंथ के एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो डेवन से बेटिया यहीं पे है और बेटे ने जो है यहाँ से स्टार्ट किया थर्ड क्लास। थर्ड में क्या है कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट गुड, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा लॉस है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, बच्चों को अच्छा गाइड किया जा रहा है, अच्छी बातें बताई जा रही है, अच्छा लगा। स्टार्टिंग से ही बच्चा यहीं पढ़ता है, नर्सरी से ही मैंने यहीं लगाया, मेरा भाणजे मेरे भतीजे यहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं स्पेशल मन में जरा रहती थी इस स्कूल के कारण मैंने यहाँ शिफ्ट किया। हाँ स्पेशल, तो वो चंडीगढ़ में कितने कितने अच्छे स्कूल है लेकिन मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, तो मैंने इसी स्कूल में पढ़ाना मेरा भतीजा। संस्कृति से जुड़े होना सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आके हम उससे सेटिस्फाइड हैं पूरे कि हाँ हमारे बच्चों को मिल रहा है जो चाहिए हमें। आज के टाइम की एजुकेशन तो सभी जगह मिल जाती है पर जो चाहिए, जो मेन चीज होती है, बेसिक जो होता है उनका, वो उससे छूटते जा रहे हैं बच्चे कहीं ना कहीं देखा जाए। इससे जुड़े रहेंगे यहाँ पे जो है अलग से फील आती है आके ना कि हाँ कुछ जो चाहिए वो है हमारे बच्चों के पास। देखा जाए तो मॉडर्न उसमें भी सबसे हर उसमें आगे है और जो संस्कार हैं वो चीज़ें हैं उसमें भी जोड़े हुए हैं बच्चों को, जो हमें कि आजकल के उसमें ये नहीं कि सभी स्कूल्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और एजुकेशन के हिसाब से भी ठीक लेके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में वो जो बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए संस्कार है उनसे छूट रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर आके कहीं भी जाए बच्चा इस स्कूल का तो दिखता है अलग से कि हाँ ये वहाँ का बच्चा है। इसलिए हमने इस स्कूल में पहले मतलब सोच समझ के किया था, एडमिशन करवाई थी कि कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी है और गेम्स वगैरह होती हैं वो भी मतलब अच्छी है। मैम हमने मतलब स्कूल का ये बोला कि विवेकानंद ग्रोथ तो हो रही है, और मैम ये भी सुना था कि विवेकानंद स्कूल की मतलब एजुकेटेड टीचर्स वगैरह भी काफी एजुकेटेड है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू इंडिया स्कूल मतलब हमारे
गली में जैसे होता है तो हम डिस्कशन करते हैं तो सारे बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर ने टीचर्स बड़े अच्छे रखे हुए हैं, तो ठीक है मतलब टीचर्स के अच्छा एथिक्स जो दिए जाते हैं बच्चों को उसके बारे में थोड़ा यहाँ का अलग से है बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि इंडियन कल्चर से ओत प्रोत बच्चा मिले, उसमें जो संस्कार हो भारतीय संस्कृत के अकॉर्डिंग हो, उस मामले में हमारी स्कूल सुटेबल है। और जो पंचकुला रीजन में आप देखें उससे जो शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मिलती है वो कल्चर यहाँ है, इसलिए हम भी हैप्पी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इस शिशु मंदिर से कराया था। ओवरऑल गुड, नो डाउट इसमें कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, संस्कार हैं वो अच्छे हैं, जो अपने हमारी सभ्यता है जो हमारे पूरक है, नमस्ते का जो यहाँ ढंग है ना वेलकम करना नमस्ते से वो बहुत अच्छी चीज़ है। रियली अप्रिशिएट कि आज के डेट पे जो हम लोग जिस अंधी दौड़ों भाग रहे हैं कि बाद में लास्ट में कुछ मिलता नहीं है, सब हलो हाय तक ही रह जाता है, वो जो रूट एजुकेशन है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। जैसे क्लास में बीमारी हुई मैंने हर टीचर्स को एक्सलेंट किया, लेकिन हमने हर चीज़ अच्छी रखी है, स्टडी के लिए भी बच्चों को जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दे रहे हैं हर चीज़ अच्छी है, तो बहुत अच्छा है हर चीज़। मैं तो स्कूल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ हर चीज़ के लिए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का जैसे पहले था तो बहुत अच्छा, जो भी जितने भी हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं कंडक्टर बहुत, उन्होंने जैसे आज से दो साल पहले बहुत अच्छा मेरे को इनकॉर्पोरेट करा, मेरा बेबी छोटा था तो मेरे बच्चे की फुल हेल्प कर। मैम मैंने अपनी बेटी को यहाँ इसीलिए अभी इस साल प्लस वन में लाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ, मैं खुद यहाँ टीचर हूँ, मुझे यहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जिसमें सबसे पहला तो है कि जो हमारे इंडियन कल्चर है सबसे पहले उसको प्रमोट किया जा रहा है, कहीं नमस्ते नहीं है, ये एक लौता स्कूल है जहाँ नमस्ते है। दूसरी बात वो खुद स्पोर्ट्स में है, इतना बड़ा कैंपस, इतना अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, इतने अच्छे स्पोर्ट्स टीचर यही हैं, तो मैं इसलिए। और दूसरी बात एजुकेशनल भी बहुत अच्छा है, एकेडमिक यहाँ का बहुत अच्छा है, और खुद मेरी बेटी का भी रिजल्ट काफ़ी लास्ट टाइम से इस टाइम उसने प्लस ही है, तो हर चीज़ प्लस है। थैंक यू।